जिपलाइन ही सबसे मजेदार एक्टिविटी है यहाँ की और काफी ज्यादा मजा आता है जिपलाइन में। और जब रुके तो अभी मैं आप लोगों को इवनिंग स्नैक्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को छोले कुलचे देखने को मिल जाते हैं, दही बल्ले, टिक्की, और आप लोगों को साथ में ढोकला भी देखने को मिल जाता है। ढोकला मैं अभी लेकर आया नहीं हूँ वहाँ से, और गोलगप्पे भी आप लोगों को खाने के लिए मिल जाते हैं जो कि मैंने पहले दिखाए थे। तो मीठी अभी खा रही है टिक्की। टिक्की बेटा कैसी लगी आपको? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ सूरतगढ़ फार्म। सूरतगढ़ फार्म एक ऐसा फार्म है जो कि टॉप 10 फार्म में से एक है, और इस फार्म के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी और खाना पीना आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, यहाँ की 1399 रुपये की टिकट आप लोगों को सिर्फ 850 रुपये में पड़ने वाली है। वो किस तरीके से पड़ने वाली है ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में ही मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ क्या यहाँ के टिकट प्राइस होने वाले हैं, क्या टाइमिंग होने वाली है, क्या लोकेशन होने वाली है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कर पाएंगे और क्या क्या खा पी पाएंगे। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, और साथ में ही आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, और खास जो मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना वो है भारी डिस्काउंट। अगर आप लोग डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो खास आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को भाई साहब पूरा देख लेना ताकि आप लोग इस डिस्काउंट को मिस ना कर पाएं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं सीधा सूरतगढ़ फार्म के अंदर। आप लोग देख सकते हैं सूरतगढ़ फार्म, और यहीं से ही आप लोगों की एंट्री होने वाली है। एंट्री होते ही आप लोगों को स्वागत किया जाता है ढोल नगाड़ों से, जो अंदर ढोल वगैरह बज रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से बैंड पहना दिया जाता है, देख सकते हैं आप लोग, और बच्चों को बड़ों को सभी को बैंड पहनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। यहाँ पर तिलक लगाया जाएगा आपको, ये देखो इस तरीके से तिलक लगाया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देख, जैसे कि यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को पूरा का पूरा गांव का फील आने वाला है। बड़ा सा एक हाथी है, देख सकते हो बड़ा सा हाथी है, और किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। इसके पास में भी आप लोग जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इसके साथ में जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो आज छोटी बेटी साथ में आई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ करने वाली है यहाँ पर। यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं दीवारों पर, और ये ना काफ़ी अच्छा फील दिलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये जब इनको देखो। तो पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे इस तरीके के जो फटफट सेवा चलती थी, और इन्हीं को सवारी में यूज़ किया जाता था। इनको भी आज यहाँ पर संभाल कर रखा गया है ताकि आप लोग यहाँ पर आए तो पुरानी चीज़ों को याद कर सके। काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आप लोगों को। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ATV बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, इनके मज़े भी आप लोग अंदर ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देख सकते हो सूरजगढ़ बाय टोडी, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मट्टी के चूल्हे से खान पान प्रसादन, किसमें कितनी है दम, मेरा बचपन, जंगल सफारी। तो काफ़ी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। अंदर घुसते ही आप लोगों को म्यूज़िक की आवाज़ आने लग जाएगी। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, सामने म्यूज़िक चल रहा है, और यहाँ पे DJ वगैरह लगा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। अभी तो एंट्री हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल गई है, आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करवाते हैं यहाँ की। सो दोस्तों, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो सूरतगढ़ फार्म आने का, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट डील लेकर आया हूँ। 1399 रुपये की टिकट आप लोगों को सिर्फ 850 रुपये पड़ने वाली है। वो कैसे पॉसिबल होगा? तो आप लोगों के लिए वाउचर डील लेकर आ चुकी है ये बेहतरीन ऑफर। इस बेहतरीन ऑफर में आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में सूरजगढ़ फार्म ही नहीं, काफ़ी सारे फार्म की टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो। तो वेबसाइट पर आप लोग सीधा जैसे ही जाएंगे, आप लोगों को टिकट को ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही आप लोग ऐड टू कार्ट पर करेंगे, सीधा आप लोग आगे बढ़ेंगे ऑप्शन से, और आगे बढ़कर आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपको पेमेंट क्लियर कर देंगे, उसके बाद में आप लोग सीधा कि टिकट आप लोगों के मेल पर भी आ जाएगी और नंबर पर भी आ जाएगी वाउचर डील से। इनके हेल्पलाइन नंबर वगैरह सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी, और सीधा आप लोग भारी डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग काफ़ी सारे फार्म हाउस की टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो फटाफट से जाएँ, विजिट करें इनकी वेबसाइट पर, और खूब फ़ायदा उठाएँ और इनके साथ में जुड़ कर रहें। इस तरीके के आप लोगों को झूले भी देखने को मिल जाएंगे जिस पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ कर सकते हो। देख सकते हो किस तरीके से झूले लगे हुए हैं और फूलों से पूरा सजाया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फी वगैरह यहाँ पर आप लोग ले पाएंगे, और सेल्फीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल सी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे पूरी की पूरी दीवारों पर कलरिंग की गई है, पूरा का पूरा गाँव का एक बढ़िया वो होता है ना वातावरण, वो बनाया हुआ है। साथ में यहाँ पर चरखे देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो कितने बड़े बड़े से चरखे रखे हुए हैं।
चरखों को आप लोग घुमाते हो तो ऐसा फील आएगा जैसे कि पहले गांधी जी चरखा चलाया करते थे, वो वाला फील आने वाला है। बाकी आप लोगों की एंट्रेंस यहाँ से होने वाली है, एंट्री लेते हैं सीधा अंदर की साइड और आप लोगों को और भी चीज़ें एक्सप्लोर करवाते हैं। गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हमारे स्नैक्स, और काफ़ी सारे स्नैक्स में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पकोड़े मिल रहे हैं आप लोगों को, फ्रेंच फ्राइज मिल रहे हैं, ग्रीन एंड रेड फ्रॉस मिल रहे हैं, ऐसे आप लोगों को फंटूज मिल जाएंगे, और पास्ता मिल जाएगा, पास्ता खा रहे हैं, और चाय मिल जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ सर्विंग हो रही है कम्प्लीटली सर्विंग यहीं पर ही होने वाली है आप लोगों की, और आप लोग पेड़ की छाँव में बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे और ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? हाँ बोलना होता है वीडियो में। तो अभी इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए ऐसा चेहरा हो गया, कह रही है एक्टिविटी की तरफ चलो। तो अभी हम लोग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे और आप लोगों को एक्टिविटीज़ दिखाने वाले हैं। बाकी ये लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं उत्सव मेला लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग कुम्हार देखने को मिल जाएगा, मेहंदी लगवा सकते हैं, मैजिशियन देख सकते हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी उस साइड में पड़ने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क बनाया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों के जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। तो और यहाँ पर काफ़ी सारे झूले भी लगे हुए हैं, तो आप लोगों के जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे झूलों को झूल सकते हैं और इनमें इन्जॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हो किस तरीके से झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हुए बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो आप लोग इनमें भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं। मिठी यहाँ से आ बेटा, यहाँ से आ, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं और इसी तरीके से आप लोगों के बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। ये देखो बैलेंस ही बिगड़ गया। तो इसी तरीके से खुश होते हैं आप लोगों के बच्चे जब यहाँ पर आते हैं। देख सकते हो किस तरीके का गेम है, सिटिंग वगैरह बनाई हुई है। तो बाकी वहाँ पर गोल गोल घुमाने वाला झूला भी है, ये वेट वेट वाला भी है, और बाकी ये देख सकते हो इसके अंदर से जो जाते हैं वो पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। यहाँ से अब ये चढ़ने वाली है और यहाँ से चढ़ के सीधा सीधा ऊपर से आएगी नीचे को। चलो भाई देखते हैं कर पाती है नहीं कर पाती। 1 2 3 गो, ध्यान से जाना बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप लोगों को इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाती है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये पूरा का पूरा निशाना लगा रहे हैं और सीधा इसके अंदर में लगा। यहाँ पे आप लोग नॉकआउट एक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। नॉकआउट अभी चालू नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और धूप में भाई साहब इसके ऊपर नंगे पैरों में जाना होता है, तो थोड़ा सा इसीलिए ध्यान रखा हुआ है, अभी इसको नंगे पैर नहीं जाने दे रहे। बाकी वहाँ पर आप लोगों को कठपुतलिया खेल भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी आया हुआ है भाई, देख सकते हो काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं। बाकी कठपुतली का खेल जो है वहाँ पर होने वाला है, आप लोगों को वो दिखाते हैं किस तरीके से ये लोग एंटरटेन करते हैं लोगों को और हम भी एंटरटेन हो लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई नई एक एक्टिविटी हम लोग चालू करने वाले हैं, इसमें निशाना मारना है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से निशाना लग पाता है या नहीं। देखो भाई पहले में ही बीच में मार दिया, तुम्हारे भाई का यही तो टैलेंट है। एक और मारते हैं, देखते हैं बीच में लगते या नहीं। ये लो ये भी बीच में, जीत गया मैं। सामने एक और आप लोगों के लिए एक्टिविटी आ चुकी है, यह है ट्रैम्पलिन एक्टिविटी। यहाँ पे आप लोग ट्रैम्पलिन एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हैं, ये आप लोगों के टिकट में इंक्लूड होते हैं, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नहीं देने। ये देख सकते हो भाई किस तरीके से आप लोग जंप करके इसमें मस्तियाँ कर सकते हो। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। घुटनों को फोल्ड नहीं करना होता, घुटने सीधे रख, घुटने सीधे रख, सीधे, हाँ सीधे रख। देखो गिर गई। इसी तरीके से मज़े लेते रहते हैं। यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ लगाई हुई हैं ट्रैम्पलिन की, दोनों को आप लोग आराम से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की सिटिंग्स बनाई हुई है जहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ये देख सकते हो पूरा का पूरा लकड़ी के ढांचे से बनाया हुआ है, जैसे गांव में पहले छत वगैरह बनती थी ना, उन्हीं घास वगैरह से बनाया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर भी। और इनके नीचे आप लोग बैठोगे ना और पेड़ों की छाँव और फिर उसके बाद में ये चीज़ें यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक मतलब गाँव का कल्चर आप लोग अगर इन्जॉय करना चाहते हो ना तो सूरजगढ़ फार्म जो है एक नंबर की जगह है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देख सकते हो बॉडी जॉर्बिंग एक्टिविटी भी है, बॉडी के अंदर ये आप लोग इस तरीके स्ट्रक्चर पहन के उसके बाद में फाइट वगैरह भी कर सकते हैं। तो मीठी कैसा लग रहा है, धक्का दे दूँ तुझे? गिरी नहीं,
यार डिचो वो देखो इस तरीके की होती है बॉडी दौर्मी, देखो गिर गई नीचे। चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, चल निकल जा, निकल जा। ये देखो कैसा लगा अंदर घुस के? कुछ कहना चाहती है? गर्मी है ना, बहुत गर्मी लग रही थी उसके अंदर, निकल आई है बाहर। अगर दोस्तों सूरजगढ़ फॉर्म के अंदर आ रहे हो, अगर आप लोगों ने जिप लाइन नहीं की तो सोचो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिप लाइन एक्टिविटी करने के लिए, तो अभी हम लोग हार्नेस वगैरह बांध के रेडी हो जाते हैं और उसके बाद में सीधा मिलेंगे आप लोगों को जिप लाइन पे। देख सकते हो इस तरीके की हार्नेस आप लोगों को देखने को मिल जाती है और ये अभी मेरे को पहनाई जाएगी। पहनने के बाद में मैं आप लोगों को सीधा उस जिप लाइन पे मिलने वाला हूँ। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई हार्नेस पहन के मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी मैं जा रहा हूँ जिप लाइन करने के लिए। तो जिप लाइन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप लोग एक ऐसा एहसास ले सकते हो जैसे कि आप लोग हवाओं में उड़ रहे हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा जिप लाइन पे और काफी ज्यादा ऊपर है जिप लाइन। तो चलते हैं और शुरू करते हैं जिप लाइन को। चलो तो भाई जिप लाइन हो चुकी है स्टार्ट, तो चलते हैं। ओहो मजा आ रहा है। तो भाई जिप लाइन ही सबसे मजेदार एक्टिविटी है यहाँ की और काफी ज्यादा मजा आता है जिप लाइन में, और जब रुकेगी ना तो एकदम से लेगी झटका। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। ये तो भाई काफी ज्यादा मजेदार एक्टिविटी थी और भैया ने एकदम से ब्रेक लगा दी। भाई कहाँ से ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आए हो एकदम से ब्रेक लगा देते हो? भाई को बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत सालों से जिपलाइन करवा रहे हैं। तो काफी ज्यादा मजा आया भाई जिपलाइन करने के बाद में। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ नीचे की तरफ और आप लोगों को और एक्टिविटीज यहाँ की एक्सप्लोर करवाता हूँ। आप लोग एक्टिविटी देख सकते हैं, लेजर बीम। ये लेजर लाइट जलती है ना, उस तरीके से एक लेजर बीम बनाया हुआ है रस्सियों की मदद से, और इसमें ना रस्सियों को टच नहीं होना होता और सीधा सीधा निकल जाना होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी आप लोग देख सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं। तो सामने आप लोग देख सकते हैं ये रोप कोर्स बना हुआ है पूरा का पूरा, और इस रोप कोर्स के ऊपर से आप लोग पार कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कॉम्पिटिट भी कर सकते हैं। एक कमांडो एक्टिविटी है रोप कोर्स और आप लोग इसका भी मज़ा उठा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा कर रहा है और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद में ये डरेगा मुझे पता है। देखो भाई फुल ताकत लग रही है, फुल जोर लग रहा है कमांडो एक्टिविटीज़ में, और इसी तरीके से एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये देखो भाई मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं। बाकी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो रहा है, बाकी सारा कुछ बढ़िया है। हमने आप लोग देख सकते हैं कैमल राइड भी आप लोगों को करने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग कैमल राइड कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ से आप लोग कैमल राइड के लिए जाएंगे अंदर की साइड में, ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि कैमल ऊंचा होता है तो ऊपर से आप लोगों को कैमल राइड करवाई जाती है। तो इसी तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोग देख सकते हो कैमल कार्ट भी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, और वहाँ पर बुल कार्ट खड़ी हुई है, बुल कार्ट भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। मीठी कौन सी राइड है करनी है? कैमल राइड। तो कैमल राइड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैमल राइड हम लोग किस तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारी राइड्स मिल जाती हैं जिसके अंदर कैमल कार्ट, कैमल, ओ भाई उछल रहा है तो यहीं उतार दियो। तो दोस्तों इसी तरीके की राइड्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, और लेकिन भाई साहब मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ना लाते उठा रहा है बार बार से। तो अभी रोक लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। वहीं रुकेगा यार, तू मरवाएगा। हाँ एक आध बार और मारेगा। तो दोस्तों राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोगों ने कैमल राइड कर ली है। कैमल के ऊपर बैठ के ना भाई बोलने में डर लग रहा था, पता है क्यों? क्योंकि कैमल मार रहा था लाते, लेकिन बढ़िया हो गई राइड, सुखमय यात्रा रही है हमारी और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी तरीके आप लोगों को राइड्स देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। कैमल राइड के साथ में बुल कार्ट राइड भी देखने को मिल जाएगी और कैमल कार्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं और आगे की तरफ और एक्टिविटी आप लोगों को दिखा। कैमल कार्ट के अंदर हम लोग बैठ चुके हैं और कैमल कार्ट को एंजॉय कर रहे हैं। मीठी कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है? गाँव जैसा है, पहली बार बैठी है ना? देखो पहली बार बैठी है कैमल कार्ट के अंदर। अगर आप लोगों के बच्चों ने गांव का कल्चर एंजॉय नहीं किया ना, तो आप लोग यहां पर आकर अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ का मज़ा दिला सकते हैं। तो पहली बार हमारी बच्ची भी बैठी हुई है कैमल कार्ट के अंदर, और इसी तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ भी होने वाली हैं अगर आप लोग सूरजगढ़ फार्म के अंदर आ रहे हो। तो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो किस तरीके से कैमल राइड चल रही है, और साइड में पूरी की पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी आप लोगों को दिखाई देगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और ऊपर शेड लगाई हुई है, देख सकते हो पूरी पूरी शेड लगाई हुई है ताकि आप लोग छाया में कैमल कार्ट को एंजॉय कर सको।
बढ़िया है ना मटका। हाँ भाई। हाथ दिखा, हाथ कर हाथ, ये लो सूख जाएगा वहाँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जादू भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे मैजिशियन बैठा हुआ है, जादूगर, और जादू दिखा रहा है। तो अभी हम लोग जादू देखने वाले हैं यहीं पर बैठ के। रेडी गो, मेरी तरफ नो, सरो की तरफ गो, चलो महाराजा आस्ते आस्ते दिए भागना, तेरी नानी के पकौड़े हो जाए, काटता है नानी के पकौड़े, आस्ते आस्ते दिए। बोलिए सर, काटने वाला दिखाओ या पालने वाला दिखाओ? काटने वाला, काटने वाला। चलो भाई, काटने वाले को दो मिनट के लिए ऊपर दिखा देंगे सर, बाद में दिखाएंगे, पहले पालने वाले लेके आएंगे। सर डरा हुआ है पहले से। हाँ भाई डरे हुए। सर पालने वाला छोड़ दो, मैं एक बार देख लेता हूँ काटने वाला तुमने। ये सर पालने वाला है, ये है काटने वाला, इसको साइड में करते हैं, ये है पालने वाला। क्या सर ये पालने वाला? नाम क्या सर इसका? सोहन लाल सिंह। कबूतर नहीं सर, ये पीजन है, पीजन, क्योंकि इंग्लिश जानता। अच्छा। बोलिए सर, इसको गायब कर दो, एक सांप का बच्चा बना दो। गायब करके सांप का बच्चा बनाओ। चलो भाई आस्ते आस्ते धीरे से, पीजन को जहाँ से लाया दो मिनट के लिए वापस ले, एक सांप का बच्चा ले गए, फन फनाता। और जिस सर ने, आप लोग देख सकते हो इस तरीके की एक्टिविटीज भी आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। ये देख सकते हो डॉट होता है, दिखाना भैया, ये डॉट होता है, और इस डॉट को आप लोग सीधा का सीधा निशाने पर मार सकते हो। ये देख सकते हो कितनी सारी डॉट है, और इसको सीधा का सीधा जैसे हम लोग निशाने में मारेंगे, और ये अपने दोस्तों के साथ में कॉम्पिटिट भी कर सकते हो आप लोग। ये देखो भाई, ये गया, देखो भाई कहाँ लगा, बिल्कुल बाहर। तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मार रहा हूँ, तो इसलिए ये सीधा बाहर को लग रहा है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ है। बाकी आप लोग आर्चरी एक्टिविटी भी देख सकते हो, ये तीर होता है और इसको आप लोगों को निशाने में मारना होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। अब देखते हैं मीठी मारने वाली है निशाना। चल भाई, 1 2 3, ये देखो भाई 6 नंबर पे लगाए, सीधा का सीधा जाके 6 नंबर पे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप लोग एंजॉय कर सकते हो। बाकी यहाँ की ग्रीनरी है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ग्रीनरी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं उन पर, ना नींबू वगैरह भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। टिकट फार्म के अंदर जब लंच की बात करते हैं तो आप लोगों को ढेर सारी वैरायटी लंच के अंदर मिल जाती है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्लेट्स होने वाली हैं, और आप लोगों को सैलड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए रायता आ जाता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए राइस आ जाता है, दाल आ जाती है, उसके बाद में आप लोग शाही पनीर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आप लोगों को राजमा मिल जाता है, देख सकते हैं, राजमा के बाद में मिक्स वेज देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर गट्टे की सब्ज़ी देखने को मिल जाएगी, या मंचूरियंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर नूडल्स भी खा सकते हैं, अगर नूडल्स के शौकीन है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर रोटियाँ देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप लोग यहाँ पर हलवा देख सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, सुहल का हलवा खाने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को खीर खाने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों को सूजी का बता रहा था, ये मूंग दाल का हलवा है, तो यहाँ पर मैडम ने बता दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग वाइड ऑफ रेंज खाने के मिल जाती है। बाकी आप लोग क्राउड देख सकते हैं, ऑफ सीज़न में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, और क्राउड आप लोगों को इसी तरीके का देखने को मिलने वाला है सूरजगढ़ फार्म के अंदर। लंच जो रहने वाला है कुछ इस तरीके से आप लोगों का रहने वाला है। ये देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ठंडी खीर खाने को मिल जाएगी, सैलड मिल जाएगा, साथ में आप लोग शाही पनीर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग राजमा चावल देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग मूंग दाल का हलवा है, और यहाँ पे आप लोगों को छाछ, जीरे वाली छाछ देखने को मिल जाएगी। बाकी रोटियाँ हैं, ये देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से आप लोगों का लंच रहने वाला है। 3-4 चीज़ें और भी हैं, वो मैंने अपनी प्लेट में नहीं डाली क्योंकि प्लेट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाकी आप लोगों को मैं सामने प्लेट में दिखा देता हूँ, भैया के प्लेट में मंचूरियंस भी मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर खाने के लिए, और साथ में आप लोगों को नूडल्स भी देखने को मिल जाएंगे, और गट्टे की सब्ज़ी भी है। आप लोग खूब खाना पीना खा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया से यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके की रहने वाली है आप लोगों का सूरजगढ़ फार्म का लंच। बाकी आप लोग देख सकते हैं सारे लोग एंजॉय करें लंच को, अभी हम लोग भी लंच खाने के बाद में एक्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट देख पाएंगे, कुछ इसी तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है, और सारा का सारा जो बनाया हुआ है ना, वो विलेज के कल्चर में बनाया हुआ है, गांव के कल्चर में बनाया हुआ है। देख सकते हैं, इसको हिंदी भाषा में मूड़ा बोलते हैं। इसी के ऊपर में आप लोग बैठकर खाना खाने वाले हैं, और पूरा का पूरा जो डाइनिंग हॉल है वो गांव के कल्चर से रिलेट करता है। सामने आप लोग जो दीवारें देख पाएंगे ना, वो भी आप लोगों को मिट्टी की बनी हुई देखने को मिलेंगी। तो इसी तरीके का रहने वाला है सूरजगढ़ फार्म। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टीन शेड लगाई हुई है, और पंखे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े से सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं खाने को, और सभी लोग अपने अपने डिज़र्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरीके का माहौल देखने को मिलने वाला है सूरजगढ़ फार्म के अंदर।
आप लोगों को यहाँ पे टिक्की मिल जाती है, यहाँ पे दही बल्ले मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को कुलचे सेके जाएंगे, कुलचे रखे हुए हैं वो देखो, और यहाँ पे आप लोगों को ढोकला मिल जाता है, और साथ में आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर गोलगप्पे चल रहे हैं मीठे और खट्टे पानी से, गोलगप्पे आप लोगों को खाने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्नैक्स मैंने दिखाई दिए थे, जो सुबह में दिखाई दे वो वाला स्नैक्स कंटिन्यू रहता है, और साथ में चाय यहाँ पर कंटिन्यू रहती है पूरे दिन के लिए, तो आप लोग इसको भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। बाकी आप लोग वहाँ पर जलेबी भी देख सकते हैं, जलेबी को भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह पूरे दिन यहाँ पर ऑन रहती हैं, बाकी सभी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं सभी चीज़ों को। तो अभी मैं आप लोगों को इवनिंग स्नैक्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को छोले कुलचे देखने को मिल जाते हैं, दही बल्ले, टिक्की, और आप लोगों को साथ में ढोकला भी देखने को मिल जाता है। ढोकला मैं अभी लेकर आया नहीं हूँ वहाँ से, और गोलगप्पे भी आप लोगों को खाने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैंने पहले दिखाए थे। तो मीठी अभी खा रही है टिक्की। टिक्की बेटा कैसी लगी आपको? तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है यहाँ का खाना, और आप लोग भी यहाँ पर आकर ये सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, सूरजगढ़ फार्म से हम लोगों ने ले लिया एग्ज़िट, काफ़ी ज़्यादा मज़े किए, और आप लोगों के साथ में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दी है, ताकि अगर आप लोग भी यहाँ पर आएंगे, क्या क्या एक्टिविटी एंजॉय कर पाएंगे, क्या क्या देख पाएंगे, क्या क्या मस्तियाँ कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। आप लोगों का काम बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय।